السلام عليكم. اندرو شريف فرني. कल जो चीज़ शुरू की थी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 3। स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 3 वॉशिंगटन लिमिटेड। पढ़ लीजिए करता हूँ। जी पढ़ लें तो मैं समझाऊँ। अब इस सवाल को पढ़ के ये कैसे पता चले कि इस चैप्टर का सवाल है?
कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन रिमेनिंग 10 महीने टू इनेबल डब्ल्यू एल टू पे द डिजायर्ड डिविडेंड. तो मैंने तो आपको प्रॉफिट और सेल और ये चीज़ें बताई हैं, डिविडेंड कहाँ से आ गया? असल में उसने डिविडेंड और प्रॉफिट का ना ऊपर एक रिलेशन बता दिया. बाकी सवाल बाद में प्लान कराता हूँ, पहले मैं आपको वो रिलेशन बताता हूँ. पहले पैराग्राफ में कैपिटल कितना है? 140. लास्ट पॉइंट पे आते हैं. द डायरेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू एल विश टू पे 5% डिविडेंड. तो 140 कैपिटल, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, तो फेस वैल्यू पे लगा करता है डिविडेंड 7. डायरेक्टर्स की ख्वाहिश है कि वो इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने उनको कहा है कि तुम जितना भी डिविडेंड देना चाहो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पैट के 80% से ज्यादा नहीं दे सकते तुम. अगर मैनेजमेंट 7 मिलियन डिविडेंड फिर भी देना चाहती है तो उसको उतना पैट कमाना पड़ेगा कि जिसका 80% 7 मिलियन बने. कितना? 8.75. ये आ गया टारगेट प्रॉफिट वाला सवाल कि अगर मैनेजमेंट इतना प्रॉफिट कमाना चाहे तो उसको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे. तो बेशक रिक्वायरमेंट में डिविडेंड से लिंक किया हुआ था, लेकिन था उसका प्रॉफिट से ही लिंक. ये पॉइंट नंबर 3 मैंने इधर एक्सप्लेन किया. पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी पढ़ के देख लीजिए, बताइए ये बात अगर समझ नहीं आई तो मैं फिर बताता. अगर मैनेजमेंट 7 मिलियन डिविडेंड देना चाहती है तो उसको इतना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ये है उसका टारगेट प्रॉफिट. डिविडेंड पूरे साल नहीं, प्रॉफिट पूरे साल का जितना होगा उसका 80% डिविडेंड, या सिर्फ 10 महीने के प्रॉफिट का 80% डिविडेंड? है जी, पूरे साल का, क्योंकि डिविडेंड इसने साल में एक दफा देना है. और बैंक वालों ने कहा है कि तुम्हारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो बैंक वाले तो साल की बात कर रहे हैं, तो हमारी टेंशन 10 महीने की है. अब 10 महीने वाला क्या चक्कर है वो बाकी सवाल से समझाता हूं. रिक्वायरमेंट में उसने पूछे 10 महीने है, लेकिन है ये लिंक प्रॉफिट से ही, तो इसलिए सवालों में रिक्वायरमेंट से, सीवीपी के सवालों में रिक्वायरमेंट से हो जाता है मोस्टली आइडिया के सीवीपी चैप्टर का. तो अब ये उस टारगेट सेटिंग का सवाल है. आपको ऊपर डाटा में सेल प्राइस की भी इंफॉर्मेशन होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की भी इंफॉर्मेशन दी होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट की भी इंफॉर्मेशन दी होगी. तो हमने यूनिट्स निकालने, ठीक है. चलें, अब हमें इसके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, सेल प्राइस चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए. एक एक करके चीजें ढूंढ लेते हैं. क्वेश्चन 3. ये जो कल सितारों भरी इक्वेशन लिखी थी वो दोबारा लिख देता हूं. सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड. वो मैंने यूनिट सोल्ड कॉमन ले लिया दोनों में से. माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू पीवीटी. अब हमें टारगेट ये फिगर पता है, ये पूछिए. तो अगर ये मिसिंग है तो फिर बाकी चीजें होनी चाहिए सवाल में. अब इस पूरी इक्वेशन में से ये एक्स है और बाकी सारी चीजें एक एक करके पूरी कर लेते हैं. अब समझाता हूं बाकी सारे सवाल की कहानी. पहले पैराग्राफ में पता चल रहा है कि ये जो टेबल बना हुआ है ये पूरे साल यानी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का बजट है, सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह सब. एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1, जो साल 2018 के दो महीने एक्चुअली गुजर गए, जनवरी फरवरी गुजर गया, उसमें हमें एक्चुअली ये नजर आ गया कि गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज लगाई और उसकी वजह से ड्यूटीज कुछ ना कुछ कम की होंगी, जिसकी वजह से मार्केट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सस्ते बिकने लग गए. अच्छा, हम मशीन्स बनाते हैं, गवर्नमेंट ने कहीं पर कुछ ड्यूटीज कम की होंगी, लोग इंपोर्ट कर करके मशीनें लाना शुरू हो गए होंगे, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, प्राइसेस कम हो गई, नतीजतन हमें भी प्राइस कम करनी पड़ी. ये पॉइंट 1 के पहले बुलेट पॉइंट की कहानी है.
ड्यू टू चेंज इन इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए मार्केट में और वो सस्ते थे, कंसिक्वेंटली हमें प्राइस कम करके 9500 करनी पड़ी और ये हमने 1 जनवरी 2018 वाले दिन से ही चेंज कर ली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018। तो जो ऊपर बजट बनाया हुआ है उस बजट को बनाते हुए सेल प्राइस क्या सोची थी, ऊपर जो टेबल बनाया हुआ 10,000, लेकिन हमें 1 जनवरी से पहले दिन से ही 9500 करनी पड़ गई। इस इक्वेशन में मैं क्या यूज करूंगा, 95 या 10,000, क्योंकि अब है ही 95, हमें 2018 का टारगेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो अब है ही 95, इसलिए ये आ जाएगी 95। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक तो ऊपर टोटल अवेलेबल है, एक तो वहां से हम पर यूनिट बना लेंगे। पॉइंट नंबर वन, थर्ड बुलेट पॉइंट, मटेरियल प्राइसेस हो गई महंगी तो जो हमने ऊपर बजट सोचा था असल में उससे 5% ज्यादा महंगी मिली, तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है इधर ऊपर टेबल से तो निकालेंगे लेकिन उसमें हमें चेंज भी करनी पड़ेगी। अब इसकी तलाश करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ला रहा हूं मैं, ये साल की अप्रोच है पूरी, इसमें चीजें पूरी करनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो ऊपर बजट में दी हुई है, एक तो उसको पर यूनिट बना लेते हैं और दूसरा उसमें ये चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर कौन कौन सी वेरिएबल हैं? हाँ जी, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यानी प्रोडक्शन के खर्चों में ब्रैकेट में फिक्स्ड दी हुई है, वो माइनस कर दें तो बाकी वेरिएबल है। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में फिक्स्ड दी हुई है, वो माइनस कर दें तो बाकी वेरिएबल हो जाएगी। तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से हमें प्रोडक्शन वाली मिल जाएगी, ये देखें मैं इसके साथ क्या शुरू कर रहा हूं। ऊपर क्या लिखी हुई है आउटर कॉलम में, 127, इसमें से निकाल दिया 21 पॉइंट, लेकिन ये तो टोटल है तो पर यूनिट निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं, 10,000। एक जज्बाती आंसर है, 10,000 तो रुपए, वो सेल प्राइस है। जो आउटर कॉलम में सेल्स की अमाउंट नजर आ रही है 168 मिलियन, 10,000 एक की प्राइस है तो 10,000 से डिवाइड कर लें तो यूनिट्स आ जाएंगे 16.8 मिलियन, नहीं 16,800, 16.8 मिलियन यूनिट्स के 16,800 यूनिट्स। ये जो अभी इस वक्त आंसर निकलेगा ये तो वो है जो हमने बजट किया था, जबकि असल में बदल गए हालात। पॉइंट नंबर वन, बुलेट पॉइंट थ्री, मटेरियल प्राइसेस महंगी होने की वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट 5% महंगी हो गई, तो इसको 1.05 कर देते हैं। इतनी हो गई, 6612.5। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर भी कोई ना कोई वेरिएबल है। आउटर कॉलम में क्या लिखा है, 16 मिलियन, फिक्स्ड कितनी है 0.5 मिलियन, डिवाइडेड बाय 16,800, इसको भी 1.05 करूं, नहीं उसने कॉस्ट ऑफ सेल की बात की थी, ऑपरेटिंग तो ठीक है बजट हमारा।
पहले ये पीपीटी बताता हूँ, क्योंकि अभी शुरू में समझा दिया था इसलिए पहले ये बनाता हूँ। हमारा डिजायर्ड डिविडेंड कितना है? 140 मिलियन का 5% यानी 7 मिलियन। बैंक के शर्त के मुताबिक मैक्सिमम ये पैट का 80% है। पीबीटी का 70%, ये क्या किया? ये क्या निकल आएगा अभी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट कितना है? तो पीबीटी को 70% कर दिया तो पैट बन गया, पैट को 80% कर दिया, दोबारा पीबीटी जितना भी होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा तो पैट आएगा। डिविडेंड हम कितना बांट सकते हैं? बांट सकते हैं पैट का 80%। ये 7 मिलियन है। अब यहां से उल्टा चलना है, इसको 80% से ग्रॉस करें ये निकलेगा, उसको 70% से ये निकल आएगा। मैंने इस तरह से चीज ये बताई कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 70% लेंगे तो बनेगा, पैट का 80% लेंगे तो ये बनेगा। तो यहां से हमारा टारगेट पीबीटी आ गया 12.5 मिलियन। ये पूरे साल का प्रॉफिट है कि 10 महीने का? पूरे साल का। तो अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी साल की के 10 महीने की? साल की फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। यहां तक की कैलकुलेशन देख लें सारी, फिर मैं फिक्स कॉस्ट बताता हूं। यहां तक ओके। अब अगली क्लास टोटल फिक्स कॉस्ट। पॉइंट नंबर वन में पहले दो महीने का जो रिजल्ट लिखा है उसमें कहीं फिक्स कॉस्ट की बात है? पॉइंट नंबर वन नहीं, यानी फिक्स कॉस्ट पर वही है जो सोची थी। तो फिक्स कॉस्ट एक ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही है, एक आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल में 21.2 मिलियन और एक आ रही है ऑपरेटिंग में 4.5। पॉइंट नंबर टू, मैनेजमेंट चाह रही है कि इस हालात में प्रमोशन करें तो उस प्रमोशन के ऊपर वो खर्च करेंगे 5 मिलियन। तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी
30.7. अभी इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, वो तो चलो पर यूनिट है, टोटल फिक्स प्रॉफिट, ये साल की फिगर है ना, तो इस इक्वेशन में क्योंकि साल का प्रॉफिट तो इससे आप जो यूनिट्स निकालेंगे वो भी साल के ही निकलेंगे, लेकिन पूछे नहीं है साल के, पूछे 10 महीने के, तो उसको 10/12 कर दें, 2 महीने के यूनिट्स दिए हुए हैं वो माइनस कर दें तो बाकी वो आ जाएंगे जो 10 महीने में मजीद बेचने पड़ेंगे, क्योंकि ये साल का रिजल्ट है, तो इससे जो आप यूनिट सोल्ड निकालेंगे वो पूरे साल के निकलेंगे, 1500 जो ऑलरेडी 2 महीने में बेच चुके वो माइनस कर देंगे तो जो बाकी 10 महीने में बेचने हैं वो आ जाएंगे, और यही रिक्वायर्ड, तो यहां से जो यूनिट्स निकलेंगे इसको सॉल्व करके यूनिट सोल्ड निकल आएंगे, या टू बी क्या निकले, 1960 यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड इसमें से माइनस कर दें तो बाकी 18110 ये हैं यूनिट्स टू बी सोल्ड इन 10 महीने, ये पूछा हुआ था, ये था जी 10 नंबर का सवाल। इस सवाल की कैलकुलेशन, इस सवाल की अंग्रेजी सारी अच्छी तरह देख लें, तसल्ली कर लें, फिर अगले सवाल पे जाता हूँ जी। प्राइस, हाँ बजट रखा हुआ है, हाँ हाँ बजटेड है ना वो तो, हाँ यानी साल के शुरू में बजट ये बनाया था या शायद पिछले साल की आखिरी वीक में, लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2018 शुरू हुआ फौरन प्राइस हमें 95 करनी पड़ गई, अगर इक्वेशन के अंदर ही इसको फिट करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये क्या किया मैंने, ये पूरे साल के यूनिट्स है ना, ये 10 महीने के, ये 2 महीने के, तो अब जब आप एक्स निकालेंगे तो वो पूरा ये निकलेगा, जो शुरू में बजट बनाया था जो ऊपर टेबल में आ रहा है वो तो हम इस साल अब कमा ही नहीं पाएंगे ना, वो तो यूजर्स हो गया वो कागज, सेल प्राइस चेंज हो गई, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, तो वो प्रॉफिट तो मीनिंगलेस है, वो बजट बनाया था लेकिन जो सोचा था उनमें से तो सब बिगड़ गया, सेल प्राइस बदलनी पड़ गई, वेरिएबल कॉस्ट बदलनी पड़ गई, तो अब तो वो रहा ही नहीं ना एप्लीकेबल, अब जब वो रहा उतना हम, वो हमारा अंदाजा था कि इस साल में कमाएंगे, 2 महीने में पता चल गया उतना नहीं कमाना तो वो तो बेकार हो गया डॉक्यूमेंट ना, डिविडेंड हमने अभी देना है कि साल के एंड पे देना है, तो साल के एंड पे जब जाएंगे तो उस साल वाले प्रॉफिट का 80% या वो जो बजट बनाया था उसका 80%,
तो साल के जो बजट बनाया था वो तो बेकार हो गई चीज। तो ये वो है जो हम कह रहे हैं साल के एंड पे हम असल में इतना कमा रहे होंगे, इसी का 80% हमने, ये तो पीबीटी है, जो पैट निकलेगा उसका 80% डिविडेंड बांट सकेंगे। जो बजट में प्रॉफिट सोचा था वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि वो बातें ही बदल गई, वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो वो प्रॉफिट एप्लीकेबल नहीं रहा। हाँ जी, इस सवाल में बताइए और कुछ पूछना है तो चले फिर अगला सवाल पढ़ लें। ऑटम 18, ऑटम 18 क्वेश्चन 2। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 2। जी पढ़ने के में जी। अच्छा, इसको सॉल्व करता हूँ, समझाता हूँ। उससे पहले वही सितारों भरी इक्वेशन जो है ना, उसकी एक और शक्ल बना के देता हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने लिखी थी, शायद मुझे लग रहा है
टोटल कंट्रीब्यूशन, सेल्स पे सीएस रेशियो लगा दें, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। जो टेबल दिया हुआ है ये जो जस्ट साल गुजरा है यानी 2022 जस्ट गुजरा है और हम अब 2023 के बजट की बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट ईयर गुजरा है ये उसकी इनकम स्टेटमेंट है। इस साल कितना पैट कमाया था? 90। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन पैट फॉर द लेटेस्ट ईयर। हाँ जी, अगले साल की प्लानिंग हो रही है। पहली लाइन में लिखा है इज इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। तो जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट था अगले साल वो उसे 36 ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट पैट क्या हो गया? 126। रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। तो ये टारगेट प्रॉफिट जितना कमाना चाहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, सीएस रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो सेल्स आ जाएंगे। और ये नेक्स्ट ईयर में क्या क्या तब्दीलियां आनी है ये सब 1, 2, 3 में बताया हुआ। ये है सवाल की अप्रोच। सीवीपी का सवाल कैसे पता चल रहा है? टारगेट प्रॉफिट इतना कमाना चाहते हैं तो बताएं क्या करें। तो इस स्टाइल के क्वेश्चन ही ये एरिया है कि टारगेट प्रॉफिट जितना ऊपर उसने बताया था उतना कमाना चाहें तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। तो ये इस टॉपिक का सवाल है। कैसे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होंगी? नहीं, अगले साल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसने तो महंगाई बता दी ना, यूनिट्स कितने और बनेंगे? पिछले साल की जो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, अब अगले साल में उनमें क्या क्या महंगाई होगी वो तो ठीक है पता चल रहा है, यूनिट्स कितने होंगे अगले साल? तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट टोटल नहीं पता, क्योंकि अगर यूनिट्स पता हो तो फिर तो हम डायरेक्टली सेल्स ही निकाल लेंगे। अगर हमें यह पता हो कि यूनिट्स अगले साल कितने होंगे, तभी तो पार्ट बी पूछ रहा है कि बताएं अगले साल हम कितने प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो इसलिए हमें यूनिट्स नहीं पता, जब यूनिट्स नहीं पता तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता। इसलिए सीएस रेशो जो पहले कर रहे थे, जो पहले मैंने यहाँ यूनिट्स लिखे थे उसके जरिए भी, इसलिए नहीं क्योंकि यूनिट्स प्राइस कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, कहीं है पिछले साल कितने यूनिट्स थे? पिछले साल के यूनिट्स हैं कहीं? नहीं। तो इसलिए उसने पूछी भी डायरेक्ट अमाउंट ही है, उसने ये नहीं पूछा बताएं कितने यूनिट्स बेचेंगे, उसने कहा बस अमाउंट ऑफ सेल बता दें, क्योंकि उसने है ही नहीं कहीं, यूनिट्स ही नहीं दिए हुए, सेल प्राइस यूनिट्स कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए पूछी भी उसने डायरेक्ट अमाउंट ऑफ सेल्स है। इस तरीके से होगा, ये फाइंड करनी है, ये टारगेट दिया हुआ है, अब हमें सवाल में इन दोनों की तलाश करनी है। ये बात समझ आती है तो मैं आगे चलूं। अब हमें टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है और सीएस रेशियो निकालनी है। सीएस रेशियो पिछले साल वाली ही चला लें या चेंज हो जाएगी? इस साल चेंज हो जाएगी क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं, महंगाइयां हो रही हैं, तो सीएस रेशियो चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल जो कल क्लास में एक सवाल किया था ना मैंने, रिवाइज्ड सीएस रेशियो निकाली थी, ये यही चीज इस सवाल में 6 महीने पहले भी टेस्ट हुई थी, वो मैंने स्प्रिंग 19 किया था, ये ऑटम 18। तो इसमें हमें सीएस रेशियो निकालनी पड़ेगी और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, ये दोनों पता चल जाए तो सेल्स निकल आएंगे। क्वेश्चन 2 है, 3 है, क्या है? ऑटम 18। इसमें से ये तो 126 डिवाइडेड बाय 0.7, ये क्या किया? ये तो टारगेट पैट है, ये पीबीटी बनाया है, टैक्स रेट 25% है, ये आ गया पीबीटी। ये हो गया पीबीटी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं और सीएस रेशो निकाल लेते हैं, तो हमें हमारी टारगेट सेल्स मिल जाएंगी। ये दो चीजें निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट पिछले साल की तो पता है, उन्हीं से कुछ जोड़ तोड़ करके अगले साल की बना लेते हैं। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चुकी हुई है,
पॉइंट नंबर वन में कहीं इसकी गाइडेंस, वो तो पिछले साल वाली निकल आएंगी, अब उनमें चेंज क्या करनी है। पॉइंट नंबर वन, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, सेल प्राइस हो गई। हाउएवर ड्यू टू एनी हाउएवर टू अवॉइड एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज, 10% डिस्काउंट, ये भी कस्टमर्स आ गए। और डिस्ट्रीब्यूटर, पॉइंट नंबर वन तो सारा सेल की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर टू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी बढ़ जाएंगी, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 5% बढ़ जाएंगी, जबकि डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी। ये पॉइंट थ्री में लिखा हुआ है। तो अदर देन डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालें? जो ऊपर दी हुई है उनमें से 90 निकाल लें तो बाकी अदर है। तो पिछले साल क्या क्या फिक्स कॉस्ट थी? एक थी कॉस्ट ऑफ सेल में छुपी हुई, कितनी? आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? 400। इसका 40% वेरिएबल फिक्स थी, 160। इसी तरह ऑपरेटिंग में कितनी छुपी आ रही है? आउटर कॉलम में क्या लिखा है? आउटर में क्या लिखा है? 40। इसमें कितनी फिक्स छुपी हुई है? 60%, 28.2। इसमें डेप्रिसिएशन 90 थी, तो बाकी फिर कितनी थी? 90। ये लास्ट ईयर का वाकया है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? डेप्रिसिएशन उतनी ही रहेगी, जबकि जो अदर हैं वो 5% महंगी हो जाएंगी। ये होंगी नेक्स्ट ईयर की टोटल फिक्स कॉस्ट, 193.00। सारे सवाल की अंग्रेजी पढ़ लें बेटा, आपको भी ना अंग्रेजी पढ़ के ये समझ आनी चाहिए ये बात जो मैंने सामने की है। अगर नहीं आ रही तो फिर तो ये तो मैं कर रहा हूँ ना, आप एक पिछले साल टोटल फिक्स कॉस्ट इतनी थी, पिछले साल टोटल जो थी ना वो 188.2 थी, इनमें से डेप्रिसिएशन इतनी थी तो बाकी कोई और होंगी। अगले साल डेप्रिसिएशन तो फिर इतनी ही होगी, लेकिन जो अदर हैं वो महंगी हो जाएंगी। पिछले साल की ये टोटल फिक्स कॉस्ट थी, इनमें से इतनी डेप्रिसिएशन थी, बाकी कोई और होंगी। तो डेप्रिसिएशन अगले साल भी इतनी ही रहेगी, अदर महंगी हो जाएंगी। तो डेप्रिसिएशन अगले साल फिर इतनी ही रही, लेकिन ये महंगी हो गई। अच्छा, सेम काम कल सवाल में भी किया था, दोबारा समझाता हूं ताकि कल भी जो कमी रह गई थी वो फिर बात हो जाए। सीएस रेशो जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट दी हुई है उससे अगर हम सीएस रेशो बनाएं तो वो पिछले साल की सीएस रेशो होगी, वही इस साल भी होगी सीएस रेशो, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो रही हैं।
या तो पिछले साल की आपको सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये दी होती तो हम उन पर यूनिट से ही नई सी एस रेशो निकाल लेते, लेकिन पिछले साल की टोटल फिगर्स दी हैं। अगले साल में यानी नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस भी चेंज होनी है, यूनिट्स भी चेंज होने हैं, लेकिन सी एस रेशो पे असर किस बात का पड़ेगा? प्राइसेस चेंज होने का। अगर यूनिट्स बहुत ज़्यादा भी हो जाएं, ये मैंने कल भी बात की थी, असल में ना सी एस रेशो का ताल्लुक पर यूनिट प्राइसेस से है, सेल प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चाहे टोटल सेल्स टोटल कंट्रीब्यूशन, रेशो वही है। यूनिट्स जितने मर्जी ज्यादा हों, क्योंकि यूनिट ज्यादा होंगे तो सेल भी ज्यादा होगी, कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी, तो सी एस रेशो यूनिट्स कम ज्यादा की वजह से नहीं चेंज होगी, प्राइसेस चेंज की वजह से चेंज होगी। तो हमें चूंकि पर यूनिट नहीं पता, तो कल भी यही काम किया था कि हम ऐसा करते हैं कि पिछले साल की फिगर्स को इग्नोरिंग क्वांटिटी चेंज, प्राइसेस कम ज्यादा कर लेते हैं। पिछले साल जो यूनिट्स थे, फर्ज करें अब भी उतने ही यूनिट्स हों, तो जो पिछले साल की इनकम एक्सपेंसेस की चीजें हैं उनमें अगर हम बस प्राइस चेंजेस डाल दें तो इस साल की सीएस रेशो तक पहुंच सकेंगे। अगर हम क्वांटिटी का कम या ज्यादा होना इग्नोर कर दें तो जो पिछले साल यूनिट्स बेचे थे, फर्ज करो उतने ही बेचें, तो फिर इस साल भी तो वही सेल होंगी ना जो पिछले साल है। बस अगर चेंज आनी है तो किस वजह से आनी है? तो हम पिछले साल की फिगर में बस चेंजेस ले आते हैं। पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 5, 6, 7। अब हम प्राइसेस को बढ़ा लेंगे। जब प्राइसेस को बढ़ाएंगे 8% तो 1.08, सिक्स वन टू पॉइंट थ्री सिक्स होश में हैं, जाग रहे हैं। लेकिन इससे कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे, तो हमें फिर कुछ कस्टमर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कुछ कस्टमर्स को प्राइस कम करके देनी पड़ेगी। वैसे तो हम प्राइस बढ़ा लेंगे, लेकिन कुछ कस्टमर्स को हमें ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। अब वो कितना होगा? हमें 10% डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, लेकिन सब लोगों को नहीं, क्योंकि अगर सब लोगों को 10% डिस्काउंट ही ऑफर कर देना था तो हम 8% बढ़ा रहे हैं प्राइस, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो फायदा प्राइस बढ़ाने का। हम जिन लोगों को डिस्काउंट ऑफर करेंगे वो होंगे कितने? टोटल में से 30%। यानी हम इतनी सेल्स नहीं कर पाएंगे, हमें इनमें से ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। कितना? अगर सेम प्राइस हो तो ये टोटल सेल हो गई। इनमें से जो लोग 30% चीजें खरीदेंगे उनको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। कितना? 18.3। यानी हमारी फिर सेल्स होंगी 593 पॉइंट, ये होंगी फिर हमारी सेल्स। हम जिन लोगों को डिस्काउंट देंगे तो उनको फिर हम प्राइस कम चार्ज कर रहे होंगे, यानी उस डिस्काउंट का असर डाल के ये हम अगले साल सेल कर सकेंगे। ठीक है, नहीं, हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे लार्ज कस्टमर्स को। अब ये लार्ज कस्टमर्स कौन है हमें नहीं पता, हो सकता है कोई हमसे 5 मिलियन यूनिट खरीदता हो उसको भी हम लार्ज कस्टमर समझते हो, कोई 4 मिलियन खरीदेगा उसको भी लार्ज कस्टमर समझते हो, ये हमें लार्ज कस्टमर्स डिफाइन नहीं हुए। ये बाकी लोग भी सुने भी अच्छी बात है, ये मुझे लगता है कि मुझे सबको समझाना चाहिए, और भी किसी को शायद इस तरह से मसला यकीनन होगा। 10% डिस्काउंट वुड बी ऑफर्ड टू द लार्ज कस्टमर्स।
ये लार्ज कस्टमर्स हमारे पूरे कस्टमर्स में से वो लोग हैं, 30% तक की सेल्स इन लोगों को हुई होंगी, यानी उनकी एक टोटल तादाद बता दी। एक ही बंदा नहीं हमारी टोटल में से 30% से ज्यादा खरीद रहा है, पता नहीं कितने बंदे। ये उन लोगों की टोटल तादाद बता दी कि वो जो लार्ज कस्टमर्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो हमारी टोटल सेल में से 30% सेगमेंट वो लोग हैं जो लार्ज होते हैं, जो लार्ज कस्टमर्स की कैटेगरी में आएंगे। हाँ, ये उन्होंने उसकी पॉपुलेशन डिफाइन कर दी, वरना ये एक बंदा जो 30% मतलब कंपनी की 30% सेल्स में से जो एक बंदा, इतना तो एक बंदे की औकात ही नहीं होगी। तो ये उन पूरे लार्ज कस्टमर्स की बाउंड्री डिफाइन कर दी कि वो जो लार्ज कस्टमर्स हैं, इसको एक और तरह से कह देता हूं कि टोटल सेल्स में से 30% सेल्स 10% डिस्काउंट पे की जा रही होंगी, बाकी 70% सेल्स पूरे पूरे पैसों पे होंगे, तो इसलिए वो 30% का डिस्काउंट दिया। वही सेल्स, अब ये जो सेल्स हैं नेट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट से नेट, ये होंगी अगले साल की सही सेल्स। ये मैं कर क्या रहा हूं, सीएस रेशो निकाल रहा हूं। ये हो गई सेल्स, वेरिएबल खर्चे क्या क्या होंगे, पहले कितने होते थे, 400 मिलियन का 60%, पहले इतने थे। अच्छा देखें, इसमें ना हमें यूनिट्स प्राइस वगैरह कुछ नहीं पता, बस पिछले साल की टोटल इनकम स्टेटमेंट पता है। वही वाली फिगर्स से सीएस रेशो निकालते तो वो पिछले साल की सीएस रेशो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर उन्हीं फिगर से सीएस रेशो निकाल लेते तो वो तो पिछले साल की सीएस रेशो निकलती। नेक्स्ट ईयर जिसका हम ये टारगेट ले रहे हैं उसमें सीएस रेशो बदल जानी है क्योंकि प्राइसेस बदल जानी है। अब हमें नेक्स्ट ईयर की फिगर्स होंगी तो सीएस रेशो निकलेगी। नेक्स्ट ईयर की फिगर्स हमें टोटल क्यों नहीं पता चल पाएंगी, क्योंकि ये नहीं पता कि कितनी यूनिट्स और बढ़ जाने, यानी क्वांटिटीज में कितनी इंक्रीज आनी है वो नहीं पता। तो इसलिए हमने पिछले ही साल की फिगर्स ली और ये कहा कि अगर क्वांटिटी ना बढ़ी, उतनी ही रही जितने पहले थी। अच्छा, ये सवाल आप पहली दफा करते हैं तो आपसे हो जाता है, नहीं चलो अब सिखा दिया, अब आइंदा इस तरह की चीज टेस्ट हुई तो अब आप कर सकते हो। ये जब पहली दफा ही आया होगा, नहीं हुआ होगा लोगों से, ये नहीं पिक कर पाए होंगे इस चीज को। यानी मैंने जब इस सवाल को देख के पहली दफा खुद अपने तौर पर सोल्यूशन बनाया था तो मैंने इसमें सेल प्राइस 100 रुपए अज्यूम की थी, उससे वेरिएबल कॉस्ट सारी निकल आई थी, यूनिट्स भी निकल आए थे। पिछले साल मैंने 100 रुपए सेल प्राइस अज्यूम की, यूनिट्स भी निकल आए इससे। कैसे, पिछले साल की सेल को 100 से डिवाइड किया, यूनिट्स आ गए। अब इस साल यूनिट्स की इंक्रीज, जो सेल प्राइस वगैरह वेरिएबल कॉस्ट, वो मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नई कंट्रीब्यूशन भी निकाली थी, सेम आंसर आया था वो। अगर कोई चाहेगा तो मैं उससे वो कागज़ भी शेयर कर लूँगा, बल्कि चलो रख ही दूंगा कोर्स में, किसी का दिल करे तो अल्टरनेटिव कह के मैं रख देता हूँ, अल्टरनेटिव कह के मैं वो फाइल रख देता हूँ कोर्स में, अगर किसी को दिल करे वैसे देखने का। तो उस वक्त जहन में बैठ के जिसके जो क्लिक किया होगा तरीका, शायद ये भी तरीका किसी के क्लिक कर गया जो मैंने किया, तो मैं वो भी आपसे शेयर कर लूँगा। किसी से क्लिक नहीं किया होगा, नहीं हुआ होगा ये सवाल। अब ये चीज़ बता दी, और ये स्प्रिंग 19 में दोबारा टेस्ट हुई थी, और ये जो पिछला पेपर है ना, इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस पास्ट पेपर कॉपी कर करके बनाए हुए हैं। 2-3 तो मुझे अटैम्प्ट याद हैं, बाकी भी देख के मुझे लग रहा है मुझे वो अटैम्प्ट याद नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पेपर पास्ट पेपर कॉपी कर करके बना हुआ है। तो इसलिए ऐसा हो जाता है कि पुराने पेपर्स की पूरा सवाल ना से ही कॉपी, कोई एक मुश्किल एडजस्टमेंट होती है वो दोबारा टेस्ट हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई काम फिर टेस्ट हो गया तो इसलिए इसको ध्यान से समझें। मसला ये आया है कि पिछले साल की टोटल फिगर्स पता है, अगले साल क्वांटिटी भी बढ़नी है, प्राइस चेंजेस भी होनी है, तो हम टोटल फिगर्स अगले साल की इसलिए नहीं निकाल सकते कि क्वांटिटी नहीं पता कितनी बढ़ेगी। हमें सीएस रेशो निकालनी है तो उसके लिए फिर अज्यूम करना पड़ेगा कि क्वांटिटी अगर ना बढ़ती तो नेक्स्ट ईयर की क्या इनकम स्टेटमेंट होती, और उससे सीएस रेशो निकालने है। ये कर रहा हूं मैं इस वक्त, ये बात मुश्किल है लेकिन इसीलिए क्योंकि फिर रिपीट हो सकती है। हम अगले साल की टोटल फिगर से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं इस अजम्पशन पे कि पिछले साल वाले यूनिट्स ही अगर रहे तो अगले साल की इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, उस अजम्पशन पे ये नेक्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट बन रही है, इससे सीएस रेशो निकल आएगी। पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल थी 400 का 60%। पॉइंट नंबर कुछ भी नहीं, ये तो महंगी नहीं होनी, कि होनी है, होनी है। पॉइंट नंबर 2, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब जब वेरिएबल कॉस्ट कह दिया बस, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई,
और ऑपरेटिंग वाली भी आ गई। इससे पहले जो सवाल किया था उसमें लिखा हुआ था कि 5% महंगी होगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, अभी जैसे पहले वॉशिंग मशीन वाला सवाल किया है, इसमें कहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5% महंगी, 4% महंगी हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट बस, तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये भी 4% महंगी होगी और जो ऑपरेटिंग में छुपी हुई है वो भी 4% महंगी होगी। तो ये 4% महंगी कर लेते हैं, कितना 2, 4, 9, 6 पिछले साल ये कितनी थी 47 का 40% थी। जी इसको भी बढ़ा दो, नहीं पॉइंट नंबर वन देखें, पॉइंट नंबर वन में लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम कमीशन भी देते थे जो 2% से बढ़ के अब 3% हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी पहले होता था वो भी 4% बढ़ जाना है। पॉइंट नंबर फोर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, यानी हमें इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से पहले दो हिस्से करने पड़ेंगे। पिछले साल वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे 47 मिलियन का 40% कितना 18.8, इसमें कमीशन भी थी और कुछ और भी होंगे, कमीशन सेलिंग एक्सपेंस होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही होगी कमीशन, इसी में ही आ रही होगी, इसमें कमीशन भी थी, इसमें कुछ और अदर खर्चे थे, ये हैं जो 4% महंगे होने, ये नहीं 4% महंगी होनी, इसका रेट 2 की जगह 3 हो जाना है। कमीशन जो पे करनी है पहले 2% करते थे अब 3% करनी होगी, ये है जिसने महंगा होना। पहले तो ये पॉइंट वन और पॉइंट टू की अंग्रेजी नहीं समझे कि जो पॉइंट टू में 4% महंगा करने को कहा है वो है वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, वो 4% महंगी होनी है। तो इस पिछले साल वाले में से पहले दो टुकड़े अलग अलग देखने पड़ेंगे। ये आ गया 18.8, इसमें से मैं कमीशन निकाल देता हूं तो अदर आ जाएंगे। पिछले साल कमीशन कितनी थी, कितनी थी पिछले साल, सेल्स कितनी थी 5, 6, 7 2% कमीशन थी। तो इसमें से जब ये निकाल लेंगे ये अब अदर आ गए, उनको 4% बढ़ाना है। सेवन पॉइंट और कमीशन होगी अब 593.99 का 3%, कहां पर डिस्काउंट तो हम इस साल ऑफर कर रहे हैं ना, पिछले साल तो बस वही सेल्स 557 ही थी। ये मैंने जो काली वाली फिगर लिखी है ये मैंने पिछले साल जो कमीशन थी वो है, मैंने ये जो हरे ब्रैकेट में किया ना इधर वो मैंने ये निकाला है, पिछले साल की वेरिएबल टोटल इसमें से कमीशन माइनस की है जो पिछले साल थी। पिछले साल कितनी कमीशन थी, किसका 2%, पिछले साल की सेल का ना ये वो। तो इस छोड़े ब्रैकेट, ये जो मैंने इस वक्त यहां फिगर लिखी है ये मैं लास्ट ईयर की फिगर ले रहा हूं। पिछले साल वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये थे, यानी इतने थे, इसमें कमीशन भी थी कुछ और भी होंगे,
पिछले साल कितनी कमीशन दी थी? सेल्स का 2% ना, पिछले साल की ही सेल्स का 2% या अगले 5 साल की सेल का 2%? तो पिछले साल कितनी थी सेल? 5-6-7 थी। तो इतनी कमीशन पिछले साल दी थी, बाकी फिर दिस माइनस दिस करके बाकी आएंगे। नेट का वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक फ्लो में चल रहा है। अब 3% देगा, 3% इसका पिछले साल ये डिस्काउंट था ही नहीं, पिछले साल ये था 5-6-7, ये कुछ था ही नहीं, तो यही नेट थी। क्योंकि उसने पूरा सेंटेंस एक फ्लो में लिखा है कि पहले 2% कमीशन होती थी, अब 3% होगी, तो चूंकि अब 3% होगी तो अब 3% किसका होगी, तो इसलिए उसने नेट का वर्ड लिखा हुआ है। पिछले साल डिस्काउंट था तो फिर नेट भी यही थी, इसलिए पिछले साल इसी का 2% कमीशन थी। पिछले साल की कमीशन निकली तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो पिछले साल के अदर वेरिएबल कॉस्ट आएंगे, उसको 4% महंगा किया है। अदर वेरिएबल और कमीशन अब होगी 17.8, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 318.8 और सी एस रेशो बन जाएगी 50. अच्छा इतनी ज्यादा, गलत है ये, 53.67। सेल्स तो यही है ना, ट्रेड डिस्काउंट तो जब किसी कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं उसके बाद वाली फिगर कोई सेल बोलते हैं। ये होगी सी एस रेशो, कमीशन तो एक सेलिंग एक्सपेंस होता है ना, कमीशन तो एक सेलिंग एक्सपेंस है, तभी इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा है। ट्रेड डिस्काउंट तो देखो, एक बंदे को सेल प्राइस बताई 100 रुपए, उसको 10 रुपए छोड़ दिए, तो सेल ही हम 90 की बोलेंगे। कमीशन और ट्रेड डिस्काउंट दो अलग चीजें हैं, कमीशन तो एक एक्सपेंस है, ट्रेड डिस्काउंट तो प्राइस की ही वो कमी है जो हम बोल को छोड़ रहे थे, फाइनल करते करते किसी और प्राइस पे सेट कर दिया। देखें कस्टमर को ना 100 रुपए कोट किए, ने कहा नहीं कम करें, चलो ठीक है 90। अब ये जो 10 कम कर दिया ये ट्रेड डिस्काउंट है, सेल 100 की बोलेंगे कि 90, तो सेल है ही 90 की, सेल ही 593 है। कमीशन एक एक्सपेंस होता है, वो पार्ट बी के लिए। फिर 70 से 80 पे चले जाते, तो सी एस रेशो आ गई 53.67। यहां से ये टारगेट सेल्स निकलेंगे कितनी, 672.83। ये था जी 9 नंबर का सवाल। कितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट? अगले साल भी उतने ही यूनिट्स होंगे जितने पिछले साल थे, तो फिर पिछले साल वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो जाएगी ना। कहाँ पर? अच्छा नहीं नहीं क्यों अज्यूमिंग हो रही है ना क्वांटिटी चेंज, हम क्वांटिटी और बेचेंगे तो प्रॉफिट 90 की जगह 136 तक पहुंचेगा ना, 126 तक। देखें प्राइसेस हम बढ़ा रहे हैं, महंगाई हो रही है, प्रॉफिट हमने 36 मिलियन से बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ा देंगे?
बिजनेस यूनिट्स और बेचेगा तो बढ़ाएगा ना, तो फिर हम कैसे कहेंगे अज्यूमिंग यूनिट सेम है? प्राइस तो उसने बता दिया चेंज है, वो तो बस 8% इंक्रीज हुई, वो भी डिस्काउंट दे दिया, महंगाइयां भी होनी शुरू हो गई, तो 36 मिलियन रुपए का प्रॉफिट और कहां से लाएंगे? अच्छा, जिनको ये सीएस रेशियो निकालने वाली अप्रोच समझ नहीं आई, और ध्यान में क्या आइडिया है, चलिए मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ कैसे करते हैं। तो वो जब रिजल्ट के बाद दोबारा क्लासेस लोगे तो तब समझा दे। असल में सीवीपी का सवाल जो है ना, वो इन्हीं वजहों से मुश्किल माना जाता है, लेकिन आपने पेपर में लेने 50 नंबर। इस सवाल में जो कर सके कर लें, इसके मुकाबले पे और ऐसे सवाल भी होंगे जहाँ पे आप पूरा पूरा स्कोर भी कर रहे होंगे, फिर कहीं जोर लगा के कि 50 तक पहुँच जाएंगे। मैं ना ये अभी मैं भूल ही गया था, आपने याद करा दिया, मैं वो इसी सवाल को जो मैंने अल्टरनेटिव सॉल्व किया हुआ है 100 रुपये सेल प्राइस अज्यूम करके, मैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ अगर कोई देखना चाहे। पार्ट बीस का रहता है, पार्ट बी करा रहा हूँ। उसमें तो सिर्फ नई सी एस रेशो ही निकालनी थी ना, इसमें पार्ट बी में यूनिट्स की भी कैलकुलेशन चाहिए थी, तो जो मैंने जितना अज्यूम किया था यूनिट्स की कैलकुलेशन ऐसे हो गई थी। अब मुझे जरा थोड़ी सी मुश्किल समझानी पड़ेगी पार्ट बी, तो वो मैंने यूनिट्स पार्ट बी को भी सामने रख के निकाले थे। हाँ, चलिए जी पार्ट बी कराता हूँ बस, फिर उसके बाद हम कल मिलेंगे। आज आप लंबे लंबे सांस लें जाके। पार्ट बी कराता हूँ और ये मैंने जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है वो भी रख देता हूँ, है जी। कल सुबह 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 इंशाल्लाह 8 बजे पहुँचे आप, है? नहीं ठीक है, 8 बजे कल सुबह 8 बजे आ जाए, और फिर जोहर तक इंशाल्लाह कॉस्ट ही पड़ेंगे, हैं? कल के इरादे में ये सीवीपी कंप्लीट, और क्योंकि सीवीपी में प्रैक्टिस ही है, जो नॉलेज वाली बातें थी वो ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। अब सवाल नहीं बताने के क्या करना है, सॉल्व करना है कि अगली टाइम में आना है, वो सवाल नहीं बताना है। तो सीवीपी कराना है और टारगेट कॉस्टिंग, ये दो मेरे अपने टारगेट हैं। उसके बाद वो एक्टिविटी बेस्ड आ जाएगा, वो फिर बैठने से वो बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों वो तो बेटे बंद कैंपस था, मैंने इसलिए कहा था, तो क्लास है, आइए बिल्कुल आइए, बाकियों को भी देखिए। हाँ जी, नहीं 9-10 मुहर्रम नहीं यार, पॉसिबल नहीं है, वो बंद होगा सब। वो तो मैंने सुना था बल्कि हॉस्टल भी खाली करा देते कि नहीं। हाँ हाँ, 9-10 मुहर्रम को हॉस्टल खाली करा दिए जाते थे, अब नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे, अब ऐसा नहीं कोई मसला हो। नहीं नहीं यार, कुछ साल पहले तक 8 मुहर्रम की हॉस्टल पुलिस आ जाती निकालती थी। अच्छा, ठीक है, वो पार्ट बी 2 नंबर का एक पार्ट है। पार्ट बी में उन्होंने पूछा है कि पिछले साल तो 70% पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइज किया था, पहले पैराग्राफ में बीपीएल इज करंटली ऑपरेटिंग एट 70% ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगले साल में यूनिट्स बढ़ जाएंगे और, तो अगले साल हम कितना यूज कर रहे होंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी को, डिटरमिन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट विल बी यूटिलाइज्ड ताकि हम इतनी सेल कर सकें। तो पिछले साल की सेल्स 70% थी, अगले साल की सेल्स कितनी होंगी प्रोडक्शन कैपेसिटी का, ये पूछा है, कैसे करें कैलकुलेट। बिल्कुल ठीक है, पिछले साल की सेल 70% थी तो ये कितनी होंगी, तो पहले उसको 70 से ग्रॉस करके
100 निकलेगा और ये उसका कितने परसेंट होगा ये निकल आएगा। पिछले साल की सेल 70% थी तो ये फिर टोटल का कितने परसेंट होंगी, तो पहले पिछले साल की सेल से टोटल निकालेंगे फिर इसको उस टोटल से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएंगे। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, ये भी लिखिएगा नहीं जो मैं कर रहा हूं। टोटल कैपेसिटी थी कि हम कितने रुपए की सेल कर सके, ये लिखना नहीं अभी। क्या हुआ? कैपेसिटी यूनिट्स में होती है, बिल्कुल कैपेसिटी बिल्कुल यूनिट्स में होती है, लेकिन हमें सेल प्राइस नहीं पता ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने टोटल रुपए की सेल कर सकते थे पर प्राइस नहीं पता, तो अंदर तो यूनिट्स ही छुपे हुए ना उसके, हम इतने रुपए की टोटल सेल करते थे मैक्सिमम कितने की कर सकते थे, तो रुपए में भी देखा जा सकता है। ये क्या बना? 810। और अब इस साल हम नेक्स्ट ईयर कितनी यूटिलाइज कर रहे होंगे ये कैसे निकालें? इसको 672 को डिवाइड कर दें किससे? 612 तो कुछ भी नहीं है, 612 तो कुछ नहीं है, नहीं 612 तो है ही कुछ नहीं, वो तो हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस से पहले की फिगर निकाली थी, असल में तो सेल होती ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस के बाद की चीज है। क्या आंसर आ जाएगा? 83 पॉइंट। जी जी मैं बताता हूं, ये जो अभी इस वक्त काम किया वो ये किया, मैंने कहा था लिखना नहीं है, अभी इस वक्त काम ये किया कि पिछले साल की सेल्स टोटल कैपेसिटी का 70% थी, नेक्स्ट ईयर में जितनी सेल होंगी वो टोटल का कितने परसेंट होंगी, तो पहले टोटल निकाली फिर इसको टोटल से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। कैपेसिटी तो यूनिट्स में होती है, रुपए में तो नहीं होती। अगर 100 मिलियन यूनिट्स कैपेसिटी है और 70 मिलियन यूनिट्स बनाए थे तो 70% कैपेसिटी आ गई। असल में कैपेसिटी तो यूनिट्स का नाम है। अगर यूनिट 20 रुपए का बेचते थे, 20 से मल्टीप्लाई करें, 140 मिलियन रुपए के यूनिट्स, 1400 ये रुपए के यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय रुपए के यूनिट्स, इसका आंसर ये क्यों सेम आ गया? असल में कैपेसिटी यूनिट्स के ही हिसाब से होती है, लेकिन अगर हम यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें सेम, तो भी आंसर वही आ जाएगा जो यूनिट्स के हिसाब से आंसर है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्राइस प्राइस कट गई, पीछे रही तो यूनिट्स ही जाएंगे, लेकिन ये तब होगा अगर ये दोनों चीजें सेम प्राइस हैं। तो पिछले साल जितनी सेल प्राइस थी अगले साल भी उतनी सेल प्राइस है, तो नहीं पिछले साल सेल प्राइस और थी इस साल और होगी, तो अब ये काम जो यूनिट से करना था वो रुपए से नहीं हो सकेगा। कैपेसिटी यूनिट्स की चीज है, ये यूनिट से ही निकलनी थी, लेकिन अमाउंट से भी निकल पाएगी अगर सेल प्राइस सेम हो तो, लेकिन जहां पर चूंकि सेल प्राइस सेम नहीं है तो फिर ये वाला काम अमाउंट से नहीं चल सकेगा। सेल प्राइस सेम होती तो चल जाता। ये क्या किया मैंने? 73 पॉइंट। ये देखें गौर करें मैंने क्या किया। बल्कि अरे नहीं ना यार, मैंने क्या किया ये? ये जो 672 है इस साल की सेल, बजटेड सेल, इसमें प्राइस चेंजेस आ गई हैं। अगर मैं पिछले साल की सेल में भी यही प्राइस चेंजेस डाल दूं तो फिर रुपए से भी ये वाला आंसर निकल सकता है। देखें असल में ये आंसर किससे निकलना चाहिए था? यूनिट से। रुपए से भी निकल सकता है अगर प्राइस सेम हो। ये बजट वाली प्राइसेस डल गई हैं इसमें। अगर मैं पिछले साल की 567 मिलियन में बजट वाली प्राइसेस का इफेक्ट डाल दूं
तो फिर अमाउंट से भी ये मसला हल हो सकता है ना। तो वो जो प्राइस चेंजेस डाली थी वही तो 593.99 था, ये क्या था? पिछले साल वाली ही यूनिट्स को प्राइस चेंज पे अपडेट किया था। अब ये काम अमाउंट से हो सकेगा क्योंकि ये पिछले साल की सेल उन्हीं प्राइसेस पे जिस पे ये है। मैंने ये क्या किया है, पिछले साल की ही सेल्स को प्राइस चेंज के हिसाब से चेंज कर लिया। तो अब ये जिन प्राइसेस पे ये सेल निकली हुई है उन्हीं प्राइसेस पे ये पिछले साल वाली सेल, तो वो काम जो यूनिट से होना था अब वो रुपए से हो सकेगा। तो इसको इससे डिवाइड करें, 848.56, और ये अब टोटल कैपेसिटी रुपए में निकला है, 848.56 पॉइंट। ये अब वही आंसर जो यूनिट से निकलना चाहिए था अमाउंट से भी निकल आएगा क्योंकि हमने प्राइस रखना। यही सवाल अगर थोड़ा सा भी समझ रह जाए तो यही दोबारा कर लीजिएगा, और एक्स्ट्रा क्लास नहीं है आज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।